बेबो। क्यों चिल्ला रहे हो? जल्दी से पहनो, जल्दी से। लेकिन जो जीवो चिल्ला रहा है ना। हाँ, टालो पहले जल्दी से। अरे क्या? इधर भी। बर्थडे कूल है। मेरे आज छुट्टी है। छुट्टी? आज छुट्टी नहीं है, स्कूल जा रहे हैं। हाँ। छुट्टी है। अरे आज कैसे छुट्टी है? आज तो स्कूल है। और तुम भी चलोगे स्कूल है ना? हम छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है? रोना नहीं। हाँ तो हम रख रहे हैं। और कौन में तुम चलोगे? और कौन में तुम चलोगे? स्कूल में प्ले ग्राउंड भी होगा और तुम खेलना, ठीक है? हाँ। और खिलौने होंगे? हाँ, स्कूल में खिलौने भी होंगे। ये तो मेरे पीछे दिख रहा था। हेलो। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि आज किस चीज़ का ब्लॉग मैं शूट करने जा रही हूँ। एक्चुअली रुको थोड़ा पास कर देती हूँ। आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है और मेरे ऋषि के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे ऋषि का आज स्कूल है, आज फर्स्ट डे स्कूल जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाऊँ। ब्लॉग तो बनता ही है भाई, क्योंकि जब ये बड़ा होगा और देखेगा ब्लॉग्स वगैरह तो इसको भी अच्छा लगेगा। मम्मी ये क्या दे? बड़ा होके कहेगा ना कि मम्मी, मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। कल से ना इतना ज्यादा सोच रही हूँ मैं। हाँ बेटा, ये मैं उतर गई। कोई बात नहीं, मतलब इतना ज्यादा सोचती हूँ कि कैसे रहेगा मेरे बिना। एक मिनट भी नहीं रह पाता मेरे बिना। 3 घंटे का स्कूल है और ये कैसे रहेगा? रो क्यों रहे बेटे तुम? ऐसे ही मम्मी तो रो रही थी। किसकी मम्मी? तो मेरी मम्मी। पता नहीं ये कैसे रहेंगे। तो इतना ज्यादा मतलब टेंशन हो रही है कि कैसे खाएगा, कैसे सब कुछ करेगा, क्योंकि बिना मेरे खाता भी नहीं है कुछ भी, और पता नहीं कैसे खाएगा कैसे रहेगा। चलिए फटाफट इनको तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से फिर से बात करती हूँ। और इनका लंच वगैरह बन गया है और दिखाती हूँ इनके लंच में मैंने क्या क्या रखा हुआ है। पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रखना है ना। तो ऋषि तुम सब खा लोगे? हाँ। कैसे खाओगे ये बताओ? स्पून से?
बाबा स्कूल जाले मिला ला बैग दिखा छपो ला बैग दिखा ऐसे ऐसे बैग हो हाँ ये देखो मेरा क्यूटू का बैग हाँ मिकी माउस मिकी माउस मैं बनने लगा क्या सबसे बाय कर दो बाय कह दो विश मी कह दो आज फर्स्ट डे स्कूल जा रहे हैं हेलो ऋषि को छोड़ आए स्कूल और सच में तो उस समय बहुत ज़्यादा रोने आ रहा था इसलिए शूट नहीं कर पाई तो मतलब उसको छोड़ के तो गए हैं जैसे दादा दादी क्या है तो नाना नानी क्या है तो क्या वहाँ पे एक कंफर्टेबल जोन रहता है वो सबके साथ रहता है सबके साथ जानता है तो इसलिए रह लेता है लेकिन अभी ना वो एकदम किसी को नहीं पहचानता है तो फिर रोना आ रहा है हमको तो पता नहीं उसको लंच वगैरह दे दिया अपने आप से बिल्कुल भी नहीं खाता है तो उसको मैंने वही चीज़ रखी जो अपने आप से खा लेता है आप लोगों ने देखा क्या रखा मखाने वगैरह खा लेता है कुकम्बर है वो सब खा लेता है लेकिन पता नहीं खाएगा कि नहीं और सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है इतना ज़्यादा उसको सोच सोच के टेंशन हो रही थी ना हालाँकि फास्ट है लेकिन मखाने वगैरह और आलू वगैरह बना के रखा हुआ है लेकिन खाते नहीं बना अब मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत खा लेंगे हम जब भी वो आएगा तब हमें कुछ चैन मिलेगी ऐसे नहीं मिलेगी तो चलिए खा लेते चाय वगैरह पी लेते अब जब भी ये जब ऋषि बड़ा होगा वीडियोस देखेगा ना तो देखेगा उसकी मम्मी रो रही थी आई थिंक सभी मदर सभी मम्मियाँ रोती ही है जब अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजती है पहली बार वो इतनी देर के लिए उनसे अलग होता है एकदम अनजान लोगों के बीच में तो चलिए मिलती थोड़ी देर के बाद में चाय वगैरह पी लेती हूँ उसके बाद जब ऋषि आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो बस टाइम हो गया है ऋषि को लाने का और 3 घंटे किस तरह मैंने मतलब काटे हैं नहीं बता सकती हूँ बस इधर उधर टहल के घड़ी देख रही थी किस तरह टाइम हो जाए और जाऊँ और अभी रिवांशी मैम का फ़ोन आया है कि आप लोग टाइमली पहुँच जाइएगा उसको लेने के लिए तो मैंने कहा मैम आप बताओ ना कि वो कर क्या रहा है एटलीस्ट तो बोली नहीं नहीं ही इज़ प्लेइंग ही इज़ वेरी हैप्पी तो मैंने कहा ओके मैम हम लोग जल्दी आ रहे हैं तो बस अभी हम लोग ना 15 मिनट पहले निकल रहे हैं और क्योंकि अभी उसके लिए आप सोच रहे ना छोटा सा गिफ्ट ले लें टॉय वगैरह ताकि आज उसका फर्स्ट डे है तो उसको भी अच्छा लगेगा और अपने को भी मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है उसको लेने जा रहे तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और चलिए फटाफट उसको लेके आते हैं और दिखाते हैं कि आपसे शेयर करते हैं कि आज उसका फर्स्ट डे कैसा रहा तो चलिए चलते हैं ऋषि को लेने के लिए तो बस मैं लिफ्ट में हूँ और पता है उसके पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आज फर्स्ट डे है ना तो उसके अभी उन्होंने ऑफिस का काम भी थोड़ी देर के लिए छोड़ रखा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही है ना तो अभी छोड़ रखा है और उसको लेने जाने के लिए हाँ तो चलिए उसके लिए कई गिफ्ट ले लेते हैं फिर आपको दिखाते कि मैंने क्या लिया और इसी से भी मिलवाते हैं ये देखो मेरा ऋषि आ गया और ऋषि का सरप्राइज गिफ्ट ये है और अभी ऋषि खोलेगा कैसा है ऋषि को पहले स्कूल से क्या मिला वो दिखाओ दिखाओ वो दिखो स्माइली दिखाओ ऋषि स्माइली दिखाओ सबको ये देखो ऋषि ऐसे सीधे सीधे दिखाओ ऐसे ये ऋषि को स्माइली दिया मैम ने वेलकम नोट है ये वेलकम नोट और मुझे लगा ऋषि रोएगा इससे ज़्यादा तो हम रो रहे थे पर ऋषि आया तो हंसता हंसता आया और रुको 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 देखो ऋषि अपना गिफ्ट खोलने जा रहा है तो सबसे पहले ऋषि गिफ्ट खोल ले ये ऋषि का गिफ्ट लाई है मम्मा क्या है ये वाह तुमको ट्रेन चाहिए थी ना हाँ। और क्या है ओ। बॉटल वाह वाटर बॉटल है बच 2 गिफ्ट लाई है मम्मा ऋषि हाँ। के लिए हाँ। क्योंकि ऋषि स्कूल गया था ना फर्स्ट डे हाँ। अच्छा लगा हाँ। तो ऋषि इधर देखो पहले बताओ स्कूल में कैसा लगा अच्छा बहुत अच्छा लगा हाँ। मम्मी की याद आई नहीं
मम्मी की याद नहीं आई? मम्मी तो बहुत रो रही थी, तुमको याद नहीं आई? और तुमने क्या क्या किया स्कूल में बताओ? स्कूल में प्ले किया। और क्या किया? ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे क्या किया? ट्यूसडे किया। ट्यूसडे किया? हाँ। अच्छा संडे मंडे लंच किया होगा ना? अच्छा और लंच पूरा फिनिश किया? हाँ। ऋषि ने लंच ऋषि ले गए हैं और दो लंच दिए थे ऋषि को, और जिसमें से अभी दिखाती हूँ, जिसमें से एक लंच वापस आया है और ये देखिए ऐसा सफा चट लग रहा है, इन्होंने खा ही लिया पूरा, पता नहीं खाया कि फेंका। और दूसरा लंच जो दिया था वो वहीं पे भूल के आ गए कि किसी ने ले लिया पता नहीं, और एक कलर भी ऋषि का गायब है, तो एक टिफिन और कलर ये स्कूल में ही दे करके आए हैं। और तुम्हारे कलर कौन ले गया? कलर कौन लिया? दीदी। दीदी ले ली? हाँ। मैं क्लास में दीदी कौन आ गई? अरे अच्छा ये तुम्हारा एक लंच बॉक्स कहाँ है जो मखाने वाला दिया था मम्मी ने? हाँ दीदी लेने मखाने के बॉक्स। अच्छा तो कहीं ऐसा तो नहीं दीदी ने सब निपटा दिया? हाँ क्योंकि इस तरह पूरा साफ करके तो ऋषि खाएंगे नहीं। ऋषि को पहली बार मैंने आलू फ्राई दिए थे, ऋषि खा पता नहीं खाता तो नहीं है बिल्कुल, कैसे एकदम क्लीन है पता नहीं। तुमने खाया था? दीदी ने खाया था। ये लंच किसने खाया? हमने खाया। पूरा फिनिश किया? हाँ। पूरी खाई थी? हाँ। कुकम्बर? हाँ। और ये आलू पोटैटो? हाँ। खाए थे? हाँ। पक्का? हाँ। और मखाने? नहीं। मखाना नहीं खाया? नहीं। हाँ हाँ अभी मैम से बात करते हैं। चलो अभी ट्रेन खोल के दिखाते हैं सबको। हाँ तो आई नो ये थोड़ा सा इमोशनल व्लॉग रहा, सो आई होप आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये अपनी ये इन्जॉय कर रहा है अपनी ट्रेन को और बहुत ज़्यादा खुश था, तो इसको खुश देख कर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो आप लोग भी आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत रोना धोना हो गया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट टाइम बच्चा किसी का भी स्कूल जाता है तो हर माँ को थोड़ा रोना तो आता ही है। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, और इसको शूट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के साथ।